हाज़रीन महफ़िल सलामुन अलैकुम। सबसे पहले आप सबको जश्न का मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमाम वक्त को हम किस तरह बुलाए, इमाम वक्त को हम किस तरह बुलाएंगे, है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे, है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे, है फिक्र सामने किस तरह उनके जाएंगे। अलम उठाता है मौला ने मुझसे घर पूछा, अलम उठाता है मौला ने मुझसे घर पूछा, बताएंगे अगले भाई नफरत ये क्या बताएंगे। म्यूजिक में पढ़ना आराम है, अगर इमाम कहेंगे तो किस तरह सुनाया जाएगा। क्या कहना है? कहा ये मौला ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, कहा ये मौला ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, हराम धुन में क्या शारम सुनाएंगे, हराम धुन में क्या शारम सुनाएंगे। कहा ये मौला ने पढ़ता है क्या कसीदा भी, हराम धुन में क्या शारम सुनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा खानदानी इमाम बड़ा है, खानदानी फर्श अदा है, जब तुम्हारा है तो तुम ही रहो, इमाम आकर क्या करेंगे, है कि नहीं? इमाम आकर क्या करेंगे। मेरा सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अदा, वैसे यहाँ पर फर्श अदा नहीं है, जितने लोग बैठे हैं सब बिल्कुल चेयरमैन जैसे हैं, क्योंकि कुर्सी पे बैठने वाले चेयरमैन होते हैं, जमीन पर बैठने वाले जमींदार होते हैं, और फर्श अदा पर बैठने वाले अदादार होते हैं। मेरा सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अदा, मेरा सलाम मेरी अंजुमन और फर्श अदा, क्या ऐसे फर्श पर मेरे इमाम आएंगे, कहते फर्शी पर मेरे इमाम आएंगे। लिखो अरीदे में, लिखो अरीदे में महफिल पढ़ेंगे इतने में, लोग क्या करते हैं क्या करते भैया इतने में आएंगे। लिखो अरीदे में मजलिस पढ़ेंगे इतने में, लिखो अरीदे में महफिल पढ़ेंगे मजलिस पढ़ेंगे इतने में, ये शायरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करे, ये दाकिरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करे, ये शायरों से कहो ये दाकिरों से कहो खुद को अब दुरुस्त करे, क्यों इमाम वक्त लिए ज़ुल्फ़िकार आएंगे, इमाम वक्त लिए ज़ुल्फ़िकार आएंगे। बहुत आसान है, अला दिल कहना है मेरे मौला, तशरीफ लाइए शेख सुनिएगा। मकान गजबी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, मकान गजबी और सोफे भी उसमें रिश्वत के, वो आ गए तो उन्हें किस जगह बिठाओगे, वो आ गए तो उन्हें किस जगह बिठाओगे। जी।